देखो बांसुरी नजर आए और फूंक मारने वाला नजर ना आए तो क्या होगा? कोई कहेगा ये बांसुरी बोल रही है, ये बांसुरी ही बजाने वाला ही यही म्यूजिशियन है, ये बांसुरी ही म्यूजिशियन है, आवाज जो इसमें से निकल रही है वो बांसुरी को ही बांसुरी वाला समझ लेगा। बांस कहेगा नहीं नहीं यार ये लकड़ी की है, आवाज इसकी नहीं है, कोई और है इसके पीछे, उसे ढूंढो, बांसुरी परे करो ना पता चले असल पीछे कौन है। मतलब आपको शीशे में मेरी फोटो नजर आ रही है तो शीशे में हम देख रहे हैं, हम कहेंगे यही है फारूकी साहब, पकड़ लो शीशे वाले फारूकी को, हमने सर समझ लिया। एक दरवेश था ना, वो पानी का दाबड़ा रख के बैठा हुआ है और देख रहा है चांद को और खुश हो रहा है, वाह 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 क्या बात, हाथ धो के इतना खुश। उनके मुर्शिद साहब आए, उन्होंने उसको गर्दन पे मुक्का मारा, कहा तेरी गर्दन पे फोड़ा निकला हो, दाबड़े को परा दफा कर अखा खोल देते हुए चांद को वो चढ़ा हुआ। वजूदिया वाले दाबड़े में खुदा को देखते हैं, शूदिया वाले दाबड़े के पानी को गिरा कर ठोकर मार के परे करके सीधा होकर देखते हैं। बात क्या है, ये बातें लफ्जी बातें नहीं, कुछ होना हो जिन्हें पीती फिर होना नार की पीती है, जिन आद बचकारे तोड़ देती जय नीति जय ना नीति है। आप जब जिक्र कर करके उस स्टेज में चले जाएंगे ना कि आप मात्र वही दिखाई देगा तो फिर आप भी किसी को सुनेंगे, उनके तुम सारे पागल हैं ठीक, तो ये हाल वारद हो जाएगा, तारी हो जाएगा। वो मजनू था ना अपने ख्याल में मस्त जा रहा, किसी नमाजी ने नमाज तोड़ के रोका, पागला बेवकूफा अहम का खोते जा खुरा, तुम्हें पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा, मैं अपने यार से हम कलाम हूं, तुम आगे से गुजर रहे, याद नहीं आती तुम्हें? अच्छा यार मैं तो अपने यार में मैं हूं, मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तेरा कैसा यार है कि तू उसमें मैं हूं कभी मुझे देख रहा, तू किसी यार से बातें कर रहा है, मैं तो अपने यार से बातों में बिजी था, मसरूफ था, ख्यालों में गुम था, जागूं तो उनके ख्यालों में गुम रहूं, सो जाऊं तो फकत रुखे जेबा दिखाई दे, मंजिल मेरी वशहर मकाफात है जहां जरों से आफताब उभरता दिखाई दे, या रब अता मुझको वो मखसूस रोशनी, उठे जिधर निगाह मदीना दिखाई दे, उठे जिधर निगाह लैला दिखाई दे। मैं तो उस ध्यान में था, वो मुझे तो खुद तुम नहीं नजर आए तो मैं तुम्हें कैसे नजर आ गया, मालूम होता है कि नहीं तेरा ध्यान कहीं और है, तेरा ध्यान कहीं और। मौलाना रूह रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा अजीब हजरत ने सुनाया वाकया लिखते हैं, एक बुढ़ा किसी नौजवान पे आशिक हो गया, नौजवान के पीछे पीछे उसको बड़ा बुरा लगा कि बाबा जाकर पागला ये उम्र है तेरी, तुम किस चक्कर में पड़े हो? लेकिन वो कहेंगे मैं तेरी जवानी पे फरेबता हूँ, तेरे हुसन पे फरेबता हूँ, तेरी चाल ढाल पे, तेरे लिबास पे। वो बड़ा तंग आया, उसने कहा इस बुढ़े से जान छुड़ाओ पता करें क्या है। वो कहने लगा बाबा मुझे देख के तो ओ तेरे पीछे जला रहे हो, मेरा ज्यादा खूबसूरत है वो तो देखे। अच्छा केड़ा पीछे? हाँ थप्पड़ मारो यहाँ पर, अगर मेरे साथ तुम इश्क होता तो पीछे मुड़ के ना देख पा, पागला मालूम होता है तू अवस परस्त है, जब मोहब्बत हो जाए तो महबूब के सिवा खुदा की कसम नजर ही कोई नहीं आता, अगर फिर इधर उधर ध्यान होता है मैं झूठो झूठ बता दिए, इसमें कोई हकीकत नहीं। तो वजूदिया वालों के ऊपर ये हाल तारी हो जाता है, वो बेबस हो जाते हैं, तो उन्हें हर तरफ यही नजर आता है
आगे आप फरमाते हैं, लेकिन सूफिया शहूदिया वादत शहूद वाले